बिरजालक के रूप में पेश करने वाला व्यक्ति दलील लगाता है कि वह दिल्ली में कार में है। उसे हारस करती है। एक बयान में कैब एग्रीगेटर उबेर ने कहा कि उन्होंने गलती चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और पुलिस जांच के साथ सहयोग कर रहा है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि 22 वर्षीय उबेर चालक को हरियाणा के पड़ोसी इलाके में अपनी कैब में बैठने के बाद एक महिला को अपहरण और यौन उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार किया गया था। एक बयान में कैब एग्रीगेटर उबेर ने कहा कि उन्होंने गलती चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और जांच में पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। 9 मार्च को महिला ने अपने कार्यालय से दिल्ली में अपने निवास पर आरक्षण किया। उबेर चालक कथित तौर पर नशे में एकमात्र मार्ग ले लिया, उसके लिए अग्रिम बनाया। उसने ट्रैफिक सिग्नल पर कूदने की कोशिश की, लेकिन चालक ने लॉक की गई कार को केंद्र में। जब टैक्सी पहुंची, उसने देखा कि वाहन की संख्या में वाणिज्यिक नंबर प्लेट के बजाय एक सफेद नंबर थाली और चश्मा रंगा हुआ था, पुलिस ने कहा। महिला ने ड्राइवर के बारे में संदिग्ध होने के कारण उसके चेहरे को अपने ऐप पर उबर द्वारा प्रदान किए गए चालक की छवि से मेल नहीं खाया, उन्होंने कहा। ड्राइवर, जो कथित तौर पर नशे में था, नेरेला में एक अलग मार्ग के साथ वाहन ले लिया। महिला ने आरोप लगाया कि वह अवांछित प्रगति कर रहा था, पुलिस ने कहा। चालक एक सामान्य मार्ग पर ले जा रहा था, जब उसने एक ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन से बाहर निकलने की कोशिश की, तो चालक ने दरवाजे बंद कर दिया और उसे धमकी दी, पुलिस ने कहा। जब जीटी के डिपो के निकट सीएनजी स्टेशन पर कार धीमा हो गई, तो उसने दरवाजा खोलने का मौका लिया और कार से बाहर कूद गया। चालक अपने वाहन के साथ जगह से फरार हो गया, उन्होंने कहा। जांच के दौरान वाहनों और चालकों का विवरण उबेर से प्राप्त किया गया था और कैब सोनीपत हरियाणा के जंगी कलान गांव का था। एक पुलिस दल 9 मार्च और 10 की मध्यस्थ रात गांव में गई और कार के अंदर एक शराबी आदमी के साथ गाड़ी का पता लगाया, पुलिस उपायुक्त नॉर्थ वेस्ट असलम खान ने कहा। उन्हें हरियाणा के गन्नौर के निवासी संजीव उर्फ संज के रूप में पहचाना गया, वह वाहन चलाते थे। भले ही वह वाहन चालक के रूप में पंजीकृत न हो और इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यह भी पाया गया कि वाहन में वाणिज्यिक नंबर प्लेट नहीं थी, अधिकारी ने कहा। पुलिस ने बताया कि यह पाया गया कि उबेर के वाहन के चालक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति ने संज को अपने वाहन को ड्राइव करने के लिए दिया था। जांचकर्ता अन्य ड्राइवर की दोषिता की जांच कर रहे हैं और मामले के सिलसिले में कैब एग्रीगेट फर्म को एक प्रश्नावली भी भेज दी है, उन्होंने कहा। एक उत्तर की प्रतीक्षा है। एक उबेर के प्रवक्ता ने कहा कि ड्राइवर को हटा दिया है जो दूसरे व्यक्ति को अपना वाहन चलाने की इजाजत देता है। वर्तमान घटना के चालकों ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है कि उबर अपने चालक भागीदारों के साथ हस्ताक्षर करता है। ऐसा व्यवहार हमारे सवार और चालक भागीदारों को खतरे में डालता है और बर्दाश्त नहीं करता है, कंपनी ने कहा। प्रवक्ता ने कहा, हमने तुरंत ड्राइवर पार्टनर की ऐप को निकाल दिया और लाइसेंस के बिना किसी अपंजीकृत ड्राइवर को अपने अकाउंट में पहुंचने और ऐप के माध्यम से यात्राएं करने के लिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि कंपनी उनकी जांच के लिए आवश्यक किसी भी जानकारी के साथ कानून प्रवर्तन अधिकारियों का समर्थन करने के लिए तैयार है।